नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल हंट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल फार्मिंग के बेसिक्स के बारे में कि आप कैसे अपने घर पे सेब का पौधा लगा सकते हैं या अगर आप कोई फार्म लगाना चाहते हैं वो भी इसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तीन बेसिक टिप्स के बारे में बात करूँगा जो कि एक एप्पल फार्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइट और लोकेशन, जो कि एप्पल्स की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एप्पल वैसे तो हॉट और कोल्ड दोनों रीजन्स में हो जाता है, बट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट के लिए कोल्ड रीजन ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप घर पे अपने लिए सेब उगाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप एक ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा हो और दिन में 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर आप एक बड़ा फार्म लगाना चाहते हैं या एक ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका जो बगीचा हो वो हमेशा ही नॉर्थ फेसिंग हो। नॉर्थ फेसिंग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पे 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप लगती है, जो कि एक फ्रूट साइज और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एप्पल नर्सरी। अगर आप एप्पल ग्रो करना चाहते हो तो या तो आप किसी फार्म से रूट स्टॉक बाय कर सकते हो या आप सीडलिंग के थ्रू भी सेब तैयार कर सकते हो। सीडलिंग के थ्रू सेब तैयार करने के दो मेथड है, या तो आप सीड कलेक्ट करके, बट ध्यान रखिए कि वो एक पॉलिनेटर वैरायटी का हो। आप कोई भी खट्टी वैरायटी का बीज ले सकते हैं जिससे आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। सीडलिंग ग्रो करने के दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट और एक है स्टार्टिफिकेशन। अगर आप डायरेक्ट ग्रो करना चाहते हो नर्सरी तो आपको सिंपली उसे सिर्फ सॉइल में डाल देना है और 1 से 2 महीने बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और अगर आप स्टार्टिफिकेशन के थ्रू सीडलिंग तैयार करना चाहते हो तो इसमें अप्रॉक्स 3 महीने का वक्त लगता है, बट इसके जो रिकवरी चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से अच्छा मेथड कौन सा है और ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है। एप्पल नर्सरी का जो सीड बेड है वो हमेशा ही 5 से 6 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग की कंडीशंस में हमारी जो रूट्स है वो ख़राब ना हो। ये अभी 3 मंथ के प्लांट्स हैं और 1 साल बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेंगे और ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इनके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं जिस भी वैरायटी का अगर आपको पौधा चाहिए होता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पिट का साइज और प्लांटिंग डिस्टेंस। अगर आप एक ड्वार्फ वैराइटीज के साथ डील कर रहे हो तो इनके जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 9 से 10 फुट का होना चाहिए और जो पिट का साइज है वो 2x2 का इनफ होता है इन छोटे प्लांट के लिए। इसके साथ में अगर आपके पास हो तो आप FIM डाल सकते हो या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। ये मेरे पीछे जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ये 35 साल पुराने पेड़ हैं। आज के टाइम पे इतना बड़ा पेड़ हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इनका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 25 फुट का है और इनके जो पिट का साइज हुआ करता था उस टाइम वो 4x4 का हुआ करता था। जैसे कि हमने बात की थी एप्पल के सीडलिंग्स ग्रोइंग मेथड के बारे में जो कि है डायरेक्ट और स्टार्टिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो नर्सरी है ये डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू ग्रो की हुई है। ये और ये वाला जो सीड बेड है आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी जो सीड्स है वो जर्मिनेट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्टार्टिफिकेशन के द्वारा हमने ग्रो की हुई है, उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टार्टिफिकेशन और डायरेक्ट ग्रोइंग में से कौन सा मेथड जो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टिफिकेशन डीपली आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लीमेंट्स जो यूज़ होते हैं एप्पल ऑर्चर्ड में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ and thank you for watching.